2,000 रुपए के नोट जमा करने और एक्सचेंज करने की शुरुआत आज से हो गई है। बैंकों की क्या स्थिति है, लोगों की कितनी भीड़ है, लोगों का इस एक्सरसाइज पे क्या सोचना है, इन्हीं सब को जानने के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी की टीम 9 बजे से लोअर परेल के कमला मिल्स एरिया में है, जहाँ पर कई बड़ी बैंकों के ब्रांचेस हैं। हमने कुछ लोगों से बात भी करी, उन लोगों का कहना यह है कि उन्हें नोट बदलवाने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और बैंकों में ऐसी कोई भीड़ भी नहीं देखी गई है। तो आइए समझते हैं। किसी आम जनता को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसे, मतलब 2,000 के नोट से, क्योंकि लोअर और मीडियम क्लास वालों के पास उतना तो है नहीं, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ही है, वो जो ब्लैक मनी है जो भी है उनके पास ही है, इसलिए तो आम जनता को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इससे। और कहीं ट्राई करा आपने 2,000 रुपए के नोट चलाने का, किसी लोकल दुकानदार को, किसी टैक्सी वाले को, या कहीं पे किसी को देने की सोच कभी? नहीं, अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट हमें लग रहा है कि अभी कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी, क्योंकि मैं खुद रिटेल में हूँ, मेरा मैं मतलब हम लोग ले रहे हैं और बैंक में भी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आप डिपॉजिट करिए या एक्सचेंज करिए, नो प्रॉब्लम।